दोस्तों अब फॉर्च्यूनर लेके हम आगे ऊपर पहाड़ पे फिर अबे पाल सिंह और सर कैसे हो? आवाज आ रहे हैं? बिल्कुल आ रहे हैं। गांव में अपने ऑफरोडिंग करते हुए कैसा लग रहा है? अभी तक जब से सेटअप डलवाया है इसमें इस्तेमाल हुआ ही नहीं है। अच्छा, आज लग रहा है कुछ इसमें कुछ मजा सा आ रहा है गाड़ी चला के। डर नहीं है भाई, लिफ्ट किट का भाई बहुत फर्क है गाड़ी में, बहुत फर्क है। लिफ्ट किट और सस्पेंशन अपग्रेड और बीएफ गुडरिच के टायर सोने पे सुहागा है ऐसी सड़कों के लिए। हाँ, ये यूँ कह देते कि भाई साहब चलाए जाओ, चले इस साइड ले लो थोड़ी सी, ये तो भाई दिल पे चलती है। जब ये ऐसे लगे ये बहुत दर्द हो रहा है, ये निशानी तो आप लेके जानी पड़ेगी। तो अभी ऊपर पहाड़ों चलते फिर इसको दिखाते। आपने पहले भी चैनल पे देखी होगी ये फॉर्च्यूनर, जिसने नहीं देखी वो आज देखेगा इस फॉर्च्यूनर को। ये मतलब अपने एरिया में तो भाई एक पहली ऐसी है जिसने फॉर्च्यूनर में काम करा रखा है, और अभी इसमें ना नेक्स्ट लेवल के काम और होने वाला है, वो भी 2-4-10 दिन में हो जाएगा। के बाद तो भाई इसकी जो लुक है ना, हाँ, तगड़ी आएगी, बहुत खतरनाक। मैं सोच रहा हूँ इसको रीमैप भी करवा दूं, मेरे 205 हॉर्स पावर हो जाएगा। क्या करने का फायदा है? तो जो इसके अंदर एक्स्ट्रा बोझ हमने डाला है वो फिर कॉम्पेंसेट होगा। हाँ, तो अभी ऊपर अपने पहाड़ पे पहुंच गए, उतर के दिखाता हूँ कैसी लग रही है गाड़ी। ये गाड़ी है भाई, इसमें भाई ने सेम अलॉय पे बीएफ गुडरिच के टायर लगवा रखे हैं, इससे ऊपर कोई टायर ही नहीं है, और पूरी गाड़ी लिफ्ट किट करके मतलब ऊंच उठ रही है। थोड़ी बहुत समझ में आ रही होगी वीडियो में, लेकिन जो लाइव देखते हैं ना उसमें तो अलग ही सिस्टम लगता है गाड़ी का। क्यों भाई? जैसे 6 फुट हाइट मेरी है, हाँ, तो इसकी हाइट देखो, हेडलाइट मेरी कमर से ऊपर जा रही है उस साइड, या थोड़ा लगेगा। हाँ, स्टॉक फॉर्च्यूनर को रखोगे, मेरे चैनल पे वीडियोस है, हमने स्टॉक और वो साथ में रखी हुई है, काफी फर्क है, काफी फर्क है। तो चैनल का नाम तो बता दो। चैनल का नाम भाई अपना ही है, अभय पाल सिंह। अभय पाल सिंह चैनल का नाम है, वहाँ पे जाके आपको ज्यादा समझ में आता है लिफ्ट का। यहाँ से देखो पूरा हाथ मेरा। फिर भाई इससे फायदा क्या होता है? इससे फायदा एक तो जहाँ ऑब्स्टेकल मतलब टच होती है गाड़ी, हाँ, आपको एक्स्ट्रा ग्राउंड क्लियरेंस मिलगी। मेन तो वही ऑफ रोडिंग में फायदा रहता है। हाँ, जो लोग ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ पे पथरीला रास्ता, नीचे पत्थर टच होते हैं, हाँ, तो ग्राउंड क्लियरेंस बढ़ गई। हाँ, बाकी फिर थोड़ी लुक का है, लुक अच्छी लगती है, ऐसी आती है मॉन्स्टर टाइप। हाँ, बाकी टायर भी 285 है, ये स्टॉक 265 आता है। तो देख लो भाई, एक और मेरा सवाल था, मैं लास्ट टाइम नहीं कर पाया। अब ये बताओ, लोग यार फॉर्च्यूनर को लेजेंडर में कन्वर्ट करवाते हैं 1-1.5 लाख रुपए में, आपने वो चीज क्यों नहीं कराई? एक तो लेजेंडर की लुक ना थोड़ी गर्ली सी लगती है, सच बताऊं। हाँ, जो इसकी ये वाला वर्जन है मेरा, हाँ, इसकी बड़ी मस्कुलर लुक आई थी। इसका जो फेस लिफ्ट भी आया है वो बड़ा ना थोड़ा मतलब कमजोर सा लगता है इसके मुकाबले। लेजेंडर की बॉडी किट सिर्फ बॉडी किट है, वो सिर्फ शो पीस है। मैं बिलीव करता हूँ ऐसी मॉडिफिकेशन में जो मतलब मैकेनिकल हो, हाँ, उसका प्रैक्टिकल यूज हो, हाँ, तो पैसे लगाए उसका मतलब इस्तेमाल कर सके, हाँ, दिखावे की ना हो चीज, दिखावे दिखावे। इस गाड़ी में जो भी चीजें लगी हुई है सारी यूज करने वाली है, दिखावे वाला कुछ भी नहीं है। सही बात। हाँ, तो यही था मेरा आज का सवाल, इसी के साथ मिलते हैं थोड़ी देर बाद। सो दोस्तों अब हम जा रहे हैं तीनों भाई पजेरो कह रहा हूँ फॉर्च्यूनर में अपनी पजेरो को लेने। तो अब भाई मतलब मेन रीजन भाई का यही था कि ना पजेरो देखनी है, तो मैंने भी पर वही रंग की करवा दी जो रंग की इनको पसंद थी और मुझे पसंद थी भाई। मैं घर से चला ही है उससे था मैं, हाँ, यार आज मैं मेरे को अंदर से खुशी हुई जब मैंने देखी ना रील पहली बार के, हाँ, भाई ने पजेरो ले ली। हाँ, मैं दिल को चलो भाई आई किसी और के घर में हो पर दिल से खुशी नहीं होती है। बिल्कुल ऐसे ही है क्या भाई, के भाई जो कार लवर होते है ना उनका एक गाना यार, हाँ, बढ़िया गाड़ी ली है भाई ने, हाँ, एकदम। तो मैं देखने आज देख के जा रही है भाई, लगा लो भाई पानीपत भी आ गए, वहाँ 3 घंटे का रास्ता है वहां से आए इतनी दूर तक। तो कोई नहीं, अब साथ मिलके जा रहे हैं हम, अब बस 10-5 मिनट में गुड़गांव पहुंच जाते हैं, और बिल्कुल स्वाद आ रहा है यार गाड़ी में, तो मजा ही लगा रहा हूँ यहाँ तो। ऐसा लग रहा है कि हाँ चले जाओ चले जाओ चले जाओ चले, और जल्दी एक मतलब शानदार ट्रिप करेंगे हम फॉर्च्यूनर और पजेरो इन दोनों के साथ, ठीक है ना? तो तुम दोनों जहाज पहाड़ों में जब चलेंगे, हाँ, ना भाई झूठे बर्फ में चलानी है, बर्फ में लेके चलेंगे। तो बस बने रहो और चलते हैं, अब गाड़ी उठा रहे हैं। गाड़ी कैसी लगेगी कैसी ना लगेगी वो वहीं जाके पता लगेगा, क्योंकि भाई अभी तो हमने भी ना देखी है ना। गाइज अब आए हम नाइट राइडर, ये अपने दोस्त का है इसमें आए, तो वो लोग आगे की तरफ चले गए, तो कुछ खाने पीना है। हाँ, तो अभी गाड़ी में 2-3 घंटे लगेंगे, तो गाड़ी आपको 2-3 घंटे बाद देखने को मिलेगी, उससे पहले हम कुछ खा पी लेते हैं फिर मिलते हैं। सो गाइज अब हम खा पी के आ गए हैं, मतलब पी कहते ना यार खा खा के द फुल डिटेलर पे,
भाई ये तो लोगों को दिखेगी मेरे भाई, ये तो लोग कल ही देख लेंगे, थंबनेल में ही देख लेंगे। क्यों विनाश भाई? बिल्कुल भाई, कल तो पब्लिक मजा ही उठा देगी कि भाई क्या है क्या नहीं है। हाँ एक मिनट, हाँ नई गाड़ी दिखा दो, आपकी नई कार। एक खिड़की लगा दो, ये वाली एक ही खिड़की लगा दो, इसी से पता लग जाएगी। ओ भाई तेरी कसम, है मजा भाई नहीं है, सच बता। तो गाइज अब मैं बैठा हूँ जैगवार में अपनी गाड़ी पे, वहाँ पीछे काम हो रहा है, तो जैगवार की कुछ बातें कर लेते भाई। कौन सा मॉडल है अपना? ये जैगवार एफ पेस है भाई। अच्छा 2018 19 20 18। एक चीज देखी भाई, गाड़ी की डोर बहुत हैवी है, मतलब भाई बिल्ड क्वालिटी एक नंबर है। इस गाड़ी के बारे में आप एक तारीफ क्या करना चाहोगे? अल्टीमेट है हमारे लिए भाई, अल्टीमेट। अच्छा जी, ये 4x4 आती है, क्या सीन है इसका? नहीं ऑल व्हील ड्राइव है, मतलब चारों टायर चलेंगे। हाँ वो पीछे लिख रहा था ऑल व्हील ड्राइव। तो भाई कितने की आती है गाड़ी? ये भाई 1 करोड़ से है। अच्छा भाई बहुत महंगी है। डीजल है पेट्रोल है? डीजल है। डीजल है ना, सही है भाई। इस तरह लंबी ट्रिप मारी गई? हाँ भाई, इससे एक बार नैनीताल गए थे। अच्छा नैनीताल गए, सही है भाई, बढ़िया ना। मतलब एक चीज एसयूवी वाली फील है पूरा, आगे तक मैं बोनट दिख रहा है गाड़ी में और बैठे पीछे, हाँ कि भाई चला रहे दमदार चीज, सही है यार। क्या कहने टीम के? लग्जरी की लग्जरी और पावर की पावर। हाँ ना पावरफुल गाड़ी है, कोई टेंशन नहीं, कोई दिक्कत ही ना गाड़ी में। कैसी है? हाँ उड़ रही है गाड़ी, मतलब अभी चलाई हमने तो गाड़ी उड़ रही है, यूँ कह रही है कि चला भगा भगा भगा। तो बस अब कुछ ही देर में अपनी गाड़ी वो रेडी हो रही है, मिलते हैं आपको थोड़ी देर बाद। तो गाइज अब आपको मैं अपनी फाइनली गाड़ी दिखाऊँ। ये रही भाई गाड़ी, तो जो जिस कलर के लिए गाड़ी ली गई है फाइनली वो कलर आज हो गया है। मतलब गाड़ी को आए मेरे पास हो गए 3-4 दिन, लेकिन अब मैं कहूँगा कि अब मेरे पास गाड़ी आई है, क्योंकि मेरे को स्टार्टिंग से रेड कलर की गाड़ी चाहिए थी और वो भाई इतना अच्छा और इतना प्यारा, मतलब एंड लग रही है गाड़ी। और तुम कमेंट सेक्शन में खुद बता सकते हो कि गाड़ी तुम्हें कैसी लगी है, ये देखो। बाकी अब इसके शॉर्ट्स वगैरह बनाऊंगा, उसमें आपको सारा कुछ देखने को मिलेगा, समझ में आ जाएगा क्या सीन है। तो सबसे पहले वो शॉर्ट्स देखो, उसके बाद बातें करते हैं। ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਆ, ਜੇਬਾਂ ਵਿੱਚ ਨੋਟ ਭਰੇ ਆ, ਡੱਬੀ ਹਥਿਆਰ ਟੰਗੇ ਨੇ, ਪਿਸਟਲ ਤੇ ਨਗ ਜੜੇ ਆ। ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਆ, ਜੇਬਾਂ ਵਿੱਚ ਨੋਟ ਭਰੇ ਆ, ਡੱਬੀ ਹਥਿਆਰ ਟੰਗੇ ਨੇ, ਪਿਸਟਲ ਤੇ ਨਗ ਜੜੇ ਆ। ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਬਦਨਾਮ ਕਰੇ ਸੋਹਣੀਏ, ਜੱਗੋ ਵੀ ਕਰੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਰੇ ਸੋਹਣੀਏ, ਫੇ ਮੇਰੇ ਬੈੱਡ ਤੇ ਆਰਾਮ ਕਰੇ ਸੋਹਣੀਏ, ਪੈਸਾ ਡਿੱਗੇ ਬੈਂਕਾਂ ਚ ਅਲਾਮ ਕਰੇ ਸੋਹਣੀਏ। ਤੈਨੂੰ ਜੋ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਉਹ ਨੀ, ਜਦ ਤੱਕਿਆ ਤੂੰ ਚੈਨ ਮੇਰਾ ਲਿਆ ਬਿੱਲੋ ਖਾਂ, ਰਗ ਰਗ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਵਾਂਗ ਵਗਦੀ ਏ ਧੜਕਣ, ਤਾਰਾ ਕੀ ਵਸਲਾ ਕੱਚੇ ਦਾਰੂ ਵਾਂਗ ਸਿਰ ਨੂੰ ਤੂੰ ਚੜਦੀ, ਸੋਹਣੀ ਨੀ ਲੱਗਦੀ ਤੂੰ ਦਿਲ ਵਿੱਚ। ਜੇਬਾਂ ਵਿੱਚ ਨੋਟ ਭਰੇ ਆ, ਡੱਬੀ ਹਥਿਆਰ ਟੰਗੇ ਨੇ, ਪਿਸਟਲ ਤੇ ਨਗ ਜੜੇ ਆ। ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਬਦਨਾਮ ਕਰੇ ਸੋਹਣੀਏ, ਜੱਗੋ ਵੀ ਕਰੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਰੇ ਸੋਹਣੀਏ, ਫੇ ਮੇਰੇ ਬੈੱਡ ਤੇ ਆਰਾਮ ਕਰੇ ਸੋਹਣੀਏ, ਪੈਸਾ ਡਿੱਗੇ ਬੈਂਕਾਂ ਚ ਅਲਾਮ ਕਰੇ ਸੋਹਣੀਏ। ਤੈਨੂੰ ਜੋ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਉਹ ਨੀ, और भाई अब मैं बताऊं आपको इंटी, सबसे पहले तो ये नीचे की जो ये लाइन है फुट स्टेप्स थे वो हटा दिए पूरे, अब गाड़ी और भी ऊंची हो गई है। ऊपर से फिर क्या करा है भाई, ओपन करते ही पूरा जो इंटीरियर है ऊपर से लेकर नीचे तक सारी सीट वगैरह एकदम डिटेलिंग की गई है, बिल्कुल डिटेल से सब कुछ एकदम साफ कर दिया गाड़ी का, जैसे कि मतलब आज ही आई हो गाड़ी, बिल्कुल ऐसी बना दी है गाड़ी, ब्रांड न्यू भाई,
क्या कहने यार तुम सबका इस गाड़ी को लेके? इस गाड़ी भाई ऐसी गाड़ी पूरे गुड़गांव सोना कहीं भी नहीं मिलेगी, ऐसी पजेरो नहीं मिलेगी जैसी हम बना देंगे। धन्यवाद आप सभी का। नहीं अब बस थोड़ी बहुत रिकमेंडेशन मिल बांट के कर बनाएंगे सबकी गाड़ी है। ना ना बिल्कुल बिल्कुल आप कमेंट में बताओ कि भाई कैसी कैसी मॉडिफिकेशन इस पे हम करवाएं। हाँ मतलब चीज अब वाले टायर हाँ अलॉय व्हील लगवाए गाड़ी में या जैसे मेरी थार में टायर लग रहे हैं वो इनसे ही पूछ लेंगे। आप ये बताओ कि खेत में जाए ये गाड़ी या फिर रोड पे? भाई खेत पे जाए तो थार वाले टायर, अगर वैसे ही शो रील व्हील या फिर उसके लिए तो नॉर्मल। तो चलो जैसे कमेंट ज्यादा आएंगे हम उस हिसाब से अपनी गाड़ी तैयार करवा देंगे। क्यों भाई ये शेर ही कहता है। तो दोस्तों फाइनली अपनी गाड़ी का कलर आपने देख लिया, अब जो मेन बात है उस पर आते हैं। जो एक गाड़ी लाल वीडियो इतनी प्यारी लग रही है वो सिर्फ और सिर्फ तक सहलावत ये भाई मेरे आने के लिए सबसे पहले आप बिल्कुल यार क्यों रहेंगे। हमने जब YouTube चैनल चालू करो ना तो दोनों साथ ही इनके पास ब्रेजा थी, मेरे पास ब्रेजा थी, भाई के पास साथ मतलब खूब वीडियो बनाई हमने। तो अब भाई ने इतना अच्छा काम कर लिया, द फूल रिटेलर के नाम से भाई की शॉप है। भाई एड्रेस कहाँ पे पड़ेगा? भाई अपने अतुल कटारिया चौक से अपन सेक्टर 17-18 वाली रोड पे जाते हैं, तो वहाँ पे गुड़गांव में अपोजिट एयरफोर्स स्टेशन। मैं गूगल मैप का भी डाल दूंगा, भाई का नंबर भी डाल दूंगा। मेरा नंबर नहीं है कहीं जाना फोन मिला हो, मतलब इनकी कोई ना कोई उठा लेगा ना। 24/7 वाला सीन है, कोई टेंशन ना कोई दिक्कत ना। जिस किसी को भी हमारे जैसे शौक करने हैं आओ और रंग बिरंगी गाड़ी करो भाई एक जिंदगी में। मैं फिर बता रहा हूँ यार खूब रंग बदलवाओ अपनी गाड़ी का, खूब हर हफ्ते बदलवाओ यार। अब तुम्हारे पास मतलब घर से कुछ भी दूर ना चीज और फिर भी तुम घर बैठ के ऐसे टाइम काट लोगे क्या? और तू जमीन ले, जमीन में इन्वेस्ट कर, तू मत कर शौक। हाँ ये शौक करता मंडे की मैं 70,000 का रहता है। अच्छा जी, और ये रहे एक भाई हमारे, ये सब शौकीन मुंडे। ये भाई 18 साल, कितनी उम्र है तेरी? 16 साल। और देख एफ पेज में घूम रहा है भाई, मतलब मजाक बना रखा है यार। ये ऐसे शौक करो करने तो ना। सही है भाई, बढ़िया मजा आ गया काम देखे। सबसे अच्छी बात मेरे को ये लगी जो काम है, काम मतलब डिटेलिंग। अब देखो यहाँ से देख लो तुम, ये लाइट ये है चीज़ है ना, बिल्कुल क्लीन कर दी बिल्कुल, और बहुत ही बढ़िया रिस्पांस आया। और बाकी आपको वीडियोस में दिखता रहेगा, तो मिलते हैं आपको थोड़ी देर बाद। तो गाइस अब तीनों गाड़ियों को लेके चलते हैं वीडियो बनाने। और भाई फिर से थैंक यू सो मच इतनी प्यारी चीज बनाने के लिए। देखना भाई कैसी लग रही है यार, कैमरे में बढ़िया लग रही है। हाँ थार तो फेल होगी, आप देख लो भाई सबसे सस्ती गाड़ी है इससे भी, और इसके तो क्या ही कहूँ मैं, लेकिन फिर भी पुरानी गाड़ी है, सबसे पुरानी गाड़ी है, सबसे नई लग रही है गाड़ी। बाय बाय, इसके साइड में लगा तू भी जब देखियो। ठीक है भाई जी, चले मिलते हैं जल्दी, राम राम भाई। सो गाइज अब मैं घर पहुंच गया हूँ, रात 11:30 जेट ब्लैक घटी में, एक नंबर रेड कलर की कार में। सुबह मिलता हूँ आपसे अच्छे से रिएक्शन के साथ।